स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ शोभा रतूड़ी, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बद्रीपुर, विकास नगर। आई होप आप सभी लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान भी दे रहे होंगे, ज्ञानदीप चैनल के प्रोग्राम देख रहे होंगे डीडी उत्तराखंड पर। बिफोर आई स्टार्ट आवर चैप्टर, हम थोड़ा सा रोज की तरह एक एक्टिविटी करते हैं आनंदम की, जिससे हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी कहते हैं। ओके चिल्ड्रंस, देन वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी। यू क्लोज योर आईज जस्ट लाइक मी एंड डीप ब्रीथ और अपने चारों ओर के वातावरण को अपनी सांसों से जोड़िए। सुनिए अपने ब्रीथ को भी आप सुन सकते हैं, अपने चारों ओर के आवाजों को आप सुनने की कोशिश कीजिए और ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। उसको करते हुए सांस को छोड़िए, फिर लीजिए। इस तरह से आप अपने ध्यान को लगाइए और थोड़ी देर ऐसे ही सोचिए। धीरे धीरे अपनी आँखों को हाथों से खोलिए इस प्रकार से। ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी है, घर में आप इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, बट लेक ऑफ टाइम हम यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। हमने कल पढ़ा था लास्ट सेशन में जॉर्डीज फोन के बारे में, कि जॉर्डी जो है उनके पिता को एक सांप काट लेता है, रेटल स्नेक काट लेते हैं, और उनको ठीक करने के लिए एक दवा होती है जो डो से निकालते हैं, वो उसके लीवर से और हर्ट से निकालते हैं, और उसका जो फोन होता है वो जंगल में अकेला छूट जाता है। जॉर्डीज को बड़ा दुख होता है और वो सोचता है कि मैं उस फोन को वापस ले आऊं। ये सोचते हुए वो अपने पा से बात करता है, मदर से बात करता है, और अंत में जो है उनके फादर उन्हें अनुमति दे देते हैं कि चलिए आप जाइए और उस फोन को ले आइए। एट लास्ट ही गो टू द जंगल एंड उसके बाद क्या हुआ आफ्टर, हम उसको कहानी में पढ़ेंगे। लेट अस गो टू अ स्मार्ट बोर्ड। ओके सो चिल्ड्रंस, हमने कल थोड़ा सा दो लाइन हमारी फर्स्ट उसकी बची है पार्ट की, वो हम देख लेते हैं। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन On a dofon passes, the spots are every which way. Spot कहते हैं धब्बों को, तो ये कहते हैं कि धब्बे जो हैं वो डो के पूरे शरीर में एक लाइन से होते हैं, लाइन में होते हैं, लेकिन जो उसका फोन है, जो उसका बच्चा है, उसके शरीर में जो है स्पॉट लाइन में ना होकर छितरे हुए रहते हैं, पूरे शरीर में रहते हैं। इस तरह से पहचान होती है कि वो मेल फोन है, क्योंकि जब मिलविल पूछते हैं उनको कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, शी नहीं है, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो उसका आंसर यही है। द स्पॉट फॉर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन पासिस, द स्पॉट आर एवरी विच वे, मतलब डो के जो है शरीर में लाइन में होते हैं स्पॉट्स, और फोन की जो उसका लड़का है वो ही है और उसके पूरे शरीर में बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं, इसमें फोर क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू जॉर्डीज फोन, जॉर्डीज फादर, इनको हम कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको उनके आंसर बोल सकती हूँ और आप उसको नोट भी कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉर्डीज happened to Jordy's father, जॉर्डी के पिता के साथ क्या हुआ था, और आपको पता है क्या हुआ था, रेटल स्नेक ने काट लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे, जॉर्डी's father had been bitten by रेटल स्नेक, सांप ने उनको काट लिया था। ठीक है, हाउ डिड द डो सेव पेनी'ज लाइफ, अब डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई थी। पेनी कौन है, जॉर्डी's के फादर का नाम है, उन्होंने कैसे उसकी लाइफ बचाई, तो टुडेज जॉर्डीज फादर किल द डो और शी डियर ही यूज्ड हर हर्ट एंड लीवर
टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन, सांप का जहर निकालने के लिए उन्होंने उसके हार्ट को, लीवर को ले लिया उसे मार के। इन दिस वे द डो सेव पेनीज लाइफ, और इस तरह से डो ने पेनी की लाइफ बचाई। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज जॉर्डी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। अब जॉर्डी जो है वो फोन को, डो के बच्चे को घर में क्यों लाना चाहता है, क्यों लाना चाहता है? क्योंकि अब डो तो मर चुकी है, उसको उसकी देखरेख कौन करेगा, इसलिए वो अपने अपने पापा की, जिसकी उसके पापा की जान बचाई है जिसने, उसके बच्चे को घर में लाना चाहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डीज फादर हैड किल्ड द डो, जॉर्डी के पिता ने उसके डो को मारा था। विदाउट द मदर डियर फॉन वाज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट, जंगल में बिना माँ के वो मर जाएगा। सो जॉर्डी वॉन्टेड टू ब्रिंग द यंग फॉन होम, इसलिए वो छोटे से फोन को अपने घर में लाना चाहता है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज जॉर्डी नो दैट द फोन इज अ मेल। जॉर्डी को कैसे पता था कि वो फोन मेल है, मेल पुरुष जाति का है? तो इसी का आंसर मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े समय पहले बताया था, द स्पॉट्स ऑन द फोन, ये है ऊपर, द स्पॉट्स ऑन अ फोन बॉडी मेड जॉर्डीज नो दैट इट वॉज अ मेल। ओके, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं जो यहाँ से है, हम इसके पढ़ेंगे। आप लोग भी अपनी पेंसिल वगैरह जो भी लेके बैठे हैं साथ में, पेन है, पेंसिल है, बुक तो होगी आपके पास, उसे आप लिख के बैठिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। मैं बहुत स्लोली पढ़ती हूँ, आप भी उसको उसी तरह से पढ़िए। जॉर्डी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। ठीक है, जॉर्डी जो है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने अपने आप को, ओवर द दो थॉट्स ऑफ द फोन, जॉर्डी के दिमाग में उसी के फोन के बारे में विचार आ रहे हैं, और दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, वो उसको किस प्रकार से छोड़कर आए, ये वो छोड़ नहीं पा रहा है, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, अब मिलविल को उसने कहा कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलिए। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फोन। इट वॉज अप हेयर, ये वहीं पे जगह है जहां पर पा को काटा था स्नेक ने और डो को मारकर सॉ द फोन, और उसने यहीं पर फोन को देखा था। सडनली जॉर्डी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम इफ फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव दिस डिसअपॉइंटमेंट सीन एंड इफ द फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। सडनली अचानक जॉर्डी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल, अब जॉर्डी को लगा कि मिलविल के साथ मुझे नहीं आना चाहिए। अनविलिंग माने साथ अच्छा नहीं लगा उन्हें, उन्हें अपने साथ ले जाने को उन्हें तैयार नहीं हुए। टू हैव विद हिम इट इफ द फोन वॉज डेड, यदि फोन क्या हो जाएगा, डेड हो गया होगा। ठीक है, यदि फोन डेड हो गया तो क्या होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और यदि उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, डिसअपॉइंट का मतलब होता है कि वो दुखी नहीं देखना चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और यदि फोन वहां पर मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वो मीटिंग, वो मिलना उनका इतना अच्छा होगा, इतना प्यारा होगा कि वो जो है उसके सामने, किसके सामने, मिलविल के सामने उसको उस मीटिंग को खोलना नहीं चाहेगा, उसके सामने नहीं वो इस प्रकार से उसे मिलना चाहेगा उस मीटिंग, उस फोन के साथ जिस तरह से वो प्यार से उसे मिलना चाहता है। He said it not for now. He said, उसने कहा, it is not for now. अब ज्यादा दूर नहीं है। But the scrub is very thick
फॉर अ हॉर्स, लेकिन हॉर्स के लिए स्क्रब जो है वो बहुत थिक है। कैसे हैं? थिक, मोटे, मतलब स्क्रब कहते हैं झाड़ियों को, शाखाओं को। तो इसके बीच में से बोल के अब हॉर्स नहीं जा सकता है, ठीक है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं इस रास्ते पे पैदल ही चला जाऊंगा। क्या कहना चाह रहा है जॉर्डी? कि अब आप मिलविल अब वापस चले जाइए अपने घोड़े के साथ। आपको जो है ये स्क्रब्स इन झाड़ियों में मोटी होती चली जाएंगी, आगे थिक होती चलेंगी, घनी होती चली जाएंगी, और ये घोड़ा जो है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही चलना चाहूंगा यहाँ से, अब आप घर चले जाइए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। लेकिन मैं तुम्हें क्या कर, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डरता हूँ टू लीव यू, तुम्हें छोड़ने से। बॉय लड़के के लिए कहा है, किसने कहा? मिलविल ने। मिलविल कहता है कि मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पर अकेले छोड़ते हुए डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट, क्या पता तुम जो हो रास्ता भूल जाओ, और गॉट बिटन बाय द स्नेक, और हो सकता है कि तुम्हें सांप भी काट ले, सांप भी काट ले, ठीक है। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज वंडर्ड, लीव मी ऑफ राइट हेयर। मैं इसका ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, क्या कहा है? कि हो सकता है कि मुझे फोन को ढूंढने में ज्यादा समय लग जाए। इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट नाउ, तुम मुझे यहीं पर अभी छोड़ दो। हो सकता है कि वो मुझे ढूंढने में ज्यादा समय लग जाए, या वो तुम्हें देख के जो है आश्चर्यचकित, अजीब, मतलब कि आश्चर्यजनक व्यवहार करने लगे, इसलिए लीव मी ऑफ राइट नाउ, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है, लेकिन तुम जो हो अब आराम से जाना। यू नो मोर नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, यू नो तुम जानते हो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो नॉर्थ, नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर दिशा, उत्तर दिशा हेयर यहाँ पर है, और ईस्ट क्वेश्चन मार्क के आगे देखिए, तो ईस्ट का मतलब है कहाँ। अगर उत्तर दिशा यहाँ पर है तो ईस्ट दिशा, ईस्ट किस तरफ होगा? देयर एंड देयर, दैट टॉल पाइन्स मेक अ बेयरिंग सो अलोंग, देयर एंड देयर, और वहां पर दैट टॉल पाइन्स मेक अ बेयरिंग। टॉल पाइन्स मतलब लंबे लंबे देवदार के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, सो लॉन्ग, बहुत दूर दूर तक। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लिक, ऑब्लिक तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं। मिलविल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, HOOVES, हूव्स, हूव्स कहते हैं घोड़े के पैर की आवाज, घोड़े के खुर की आवाज को हूव्स कहते हैं। ही वेटेड, उसने इंतजार किया फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, एंड माने खत्म होने का, घोड़े के पैरों की आवाज के खत्म होने का इंतजार किया। मतलब वो जब चला गया उसे आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो उसने सोच लिया कि मिलविल चले गए हैं। देन कट टू द राइट, और फिर वो राइट की तरफ चला गया, अपने दाहिनी दिशा की तरफ चला गया। द स्क्रब वाज स्टिल, स्क्रब माने झाड़ियां, अभी भी ऐसी ही थी, झाड़ियां बढ़ती चली गई। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस, साइलेंस माने बिल्कुल शांत वातावरण था। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड, उस केवल उसके चलने की आवाज आ रही थी, और उस शांति में उसे केवल अपने ही चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वो सोच रहा था कि कहीं मैंने अपने डायरेक्शन को बदल तो, मतलब मैं भूल तो नहीं गया हूँ, मिस्टेकन तो नहीं हो गया है, भूल तो नहीं गया हूँ। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर, तभी क्या हुआ? बजर्ड, बजर्ड कहते हैं एक गिद्ध को, बहुत बड़े पक्षी को, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एकदम से आया, एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर, और हवा में उड़ गया।
ठीक है, एक बहुत बड़ा बजर्ड मीन्स एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, उसे गिद्ध भी कह सकते हैं, चील भी कह सकते हैं, जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाता है, वो वहां पर आया और उसके सामने से उड़ा। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, बजर्ड सेट इन अ सर्किल अराउंड द कैकेस ऑफ द डो। उसने देखा कि बजर्ड जो है वो सेट इन अ सर्किल, सर्किल में बैठे हुए हैं, सर्किल माने गोले गोले में बैठे हुए हैं, कैकेस ऑफ द डो, कैकेस का मतलब होता है उसका मांस, सड़ा हुआ मांस उसके शव के पास, ठीक है, कैकेस का मीन्स शव, उसका मरा हुआ शरीर उसके पास बैठे हुए हैं। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ट एट हिम, अपनी लंबी सी गर्दन से वो उसके सर को और उसकी तरफ देख रहे हैं। दे टर्न देयर हेड्स, अपने अपने सिर को उन्होंने उसकी तरफ घुमाया है और लंबी गर्दन से उसकी तरफ हिस्ट एट हिम, उसकी ओर देखकर फुंकार मार रहे हैं। ही थ्रू हिज बॉ एट देम एंड दे फ्लू इन टू अ एजेंस ट्री, द सैंड शोन लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियंस बर्ड। ही थ्रू हिज बो एट देम, आप देखिए यहाँ पे उसने जो है, ही थ्रू हिज बो एट देम, उसने उनकी तरफ देखा, एंड दे फ्लू इन टू एजेंस ट्री, और वो सारे उड़कर एक पेड़ पर बैठे। दे सेंट शॉर्ट लार्ज कैट प्रिंट, उन्होंने वहां पर एक लार्ज कैट, लार्ज कैट बड़ी बिल्ली के प्रिंट्स, प्रिंट मैंने पैरों के निशान देखे, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बिग कैट होती है, बिग कैट का मतलब होता है बाघ या बगेरा, या उसको हम बिग कैट भी कह सकते हैं, कैट्स किल्ड फ्रेश, वो जो है फ्रेश मांस खाती है। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू कैरियंस बर्ड्स, और उस डो को उस हिरनी को छोड़ दिया उन्होंने और चिड़ियाओं को खाने के लिए, ठीक है, सड़े हुए हिरनी को और चिड़ियाओं को खाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बाघ या कोई बड़ा जानवर के जो है बिग कैट जो है कभी भी दूसरे का मारा हुआ फ्लैश को नहीं खाती है, मांस को नहीं खाती है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया उन चिड़ियाओं के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। इट पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, अब ये वो जगह है जहां पर कि वो वहां से चला उस तरफ जहां उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, ऐसा नहीं था कि केवल कल कल वाली जगह पे वो आज भी हमें उसे मिल जाता। द फोन वॉज नॉट देयर, फोन वहां पर नहीं था, मतलब हिरनी का बच्चा वहां पर नहीं था। ही सर्किल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड, वहां पर कुछ किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। द बजर्ड क्लैप देयर विंग्स, बजर्ड जो है अपने पंखों को फैला रहे थे, बजा रहे थे, इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो वापस उसी जगह पे जाना चाहते थे जहां पर कि वो उस मांस को खा रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, ही रिटर्न, वो वापस आया, कहाँ पे आया, टू स्पॉट, उस जगह पर वेयर द फॉन हैड इमर्ज, जहां पर उसने फॉन को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और उसने वहां पर उसे ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, उसने वहां पे उसे देखा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, हूफ माने अभी हमने पहले पढ़ा था, हूव्स, हूफ से ही बना है हूफ, छोटे छोटे स्मॉल हूफ प्रिंट्स, उसके छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। द नाइट्स रेन हैज हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। नाइट्स रेन, रात को क्या हुई, रेन हुई, रेन मीन्स होता है बारिश, रात को हुई बारिश, और उसके बाद उसने देखा कि
passed away all tracks except those of cat and buzzard. सारे ही पैरों के निशान, ट्रैक्स कहते हैं एक तरह से रास्ते को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल ट्रैक्स का मतलब है हर प्रकार के निशान, मिट चुके थे, वॉश हो गए थे, धुल गए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड. किसके निशान बचे? केवल कैट के और बजर्ड के. कैट मीन्स बिल्ली, बड़ी बिल्ली जैसे हमने कहा था, और बजर्ड गिद्ध के निशान बचे. ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ. इसमें हमने ये पढ़ा कि वो मिल विल के साथ घूमने, उसको फोन को ढूंढने जाता है जॉर्डी, और फिर वो सोचता है कि मिल विल से जब मेरे साथ में रहेगा तो वो कैसे उसको छोटे से फोन को मिलेगा, उससे प्यार नहीं कर पाएगा, उसे मिल नहीं पाएगा ढंग से, और हो सकता है कि वो ना मिले तो वो डिसअपॉइंट भी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, जिससे कि मिल विल को फील होगा. तो उसने मिल विल को किसी बहाने से वापस भेज देता है और ये बोलता है कि भाई अब जो है यहाँ से आगे घना रास्ता हो गया है, तुम्हारा जो हॉर्स है ये यहाँ पे इसको हार्मफुल हो सकते हैं ये, और इस तरह से तुम वापस चले जाओ. मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो जगह मुझे पता है, पास में ही है, और मैं अकेला ही पैदल पैदल वहां पर चला जाऊंगा. लेकिन थोड़ा आगे जाने पे उसे बजर्ड्स दिखाई देते हैं और कैट प्रिंट्स दिखाई देते हैं, जो बड़ी कैट प्रिंट्स के होते हैं, मतलब कि बाघ के होते हैं वह है. लेकिन वो सोचता है कि क्या वो खा लिया होगा. देखते हैं तो बहुत सारे बाघ वहाँ, बहुत सारे गिद्ध वहाँ पर बैठे हैं और वो डो के जो हैं सड़े हुए मांस को खा रहे हैं, लेकिन उसे वहाँ पर फोन नहीं मिलता है. ठीक है, और आगे चल के देखते हैं कि उसे फोन कहाँ पे मिलता है, ये आप थर्ड उसमें पढ़ेंगे. और उससे पहले हम लोग ये थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, ओनली टू, देयर आर टू ओनली कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, फर्स्ट में फोर्थ है, इसमें टू हैं, हम इनको देख लेते हैं. जॉर्डी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर टू रीजंस, व्हाट वर दे? ठीक है, जो व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन? ठीक है, जॉर्डी अलोन, मिलविल को क्यों उसने वापस भेज दिया और जॉर्डी ने क्यों नहीं मिलने दिया उसको? ठीक है, ये हम कल करेंगे बेटा, और आज हम यहीं पे अपना चैप्टर देखते हैं. तो चिल्ड्रंस, हमने ये चैप्टर पढ़ा, सेकंड पार्ट इसका, कि किस तरह से मिलविल को लेकर जॉर्डी जो है वो फोन को ढूंढने जाता है, और उसको वो ढूंढने से पहले सोच लेता है कि मेरे को इन मिलविल को सर को वापस भेजना है, क्योंकि जब फोन की और उनकी मीटिंग होगी, किसकी, जॉर्डी की मीटिंग होगी, मिलेंगे आपस में, तो वो उसे बड़े प्यार से मिलना चाहता था. दूसरा कारण ये भी था वापस भेजने का कि हो सकता है वो उसे ना मिले और वो डिसअपॉइंट हो जाए. तो दोनों ही सूरत में जो है मिलविल को वो नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसे वापस भेज दिया. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे अभी थोड़ा सा बचा है, कल हम इसका नेक्स्ट सेशन ले लेंगे, और हो सकता है कल इसे हम कंप्लीट भी कर दें. देन यू विल टेक केयर, गुड बाय.